हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका यूरेका एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जो पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कर दी है, तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं उसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो के प्रति बात करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर, आप लोगों के लिए जो बात है वो ये है कि हमारी बुक्स हैं जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिज़ाइन करी है हमारे पीजीटी कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो आप लोग यदि हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ये बुक्स के साथ साथ हमारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच स्टार्ट होने की जो डेट है वो हमारी 10 तारीख है। 10 तारीख से हमारा ऑनलाइन बैच जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों को रजिस्टर करवाना है पीजीटी के लिए, वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को हमारा नंबर स्क्रीन पर मैंशनड हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम किससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा था? सर, हमने समझा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में समझा था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने बात करी थी कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना फिनांस का। और वो कौन करता है हमारा? सर हमने बात करी थी, वो हमारा करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है। सर किस तरह से करता है? तीन तरह के डिसीजन लेकर करता है। कौन कौन से डिसीजन लेकर करता है? एक हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, एक हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन है, और एक हमारा डिविडेंड डिसीजन है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी पिछली क्लास में कि इनको हम 3 A's ऑफ फिनांस भी बोलते हैं। यानी कि सर फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली बात करता है एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड, और इन्वेस्टिंग डिसीजन बात करता है एलोकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड, और डिविडेंड डिसीजन बात करता है हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड से रिलेटेड। तो आज हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन से आइए तो देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनेंशियल डिसीजन के साथ। तो फाइनेंशियल डिसीजन समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन लेकर किस तरह से एक फिनांस मैनेजर जो है वो मदद करता है कंपनी की मैनेजमेंट करने में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल डिसीजन में, तो सबसे पहले हमारा आता है सोर्सेस ऑफ फंड। क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड। भाई सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? सोर्सेस ऑफ फंड या फिर सोर्सेस ऑफ फिनांस का मतलब होता है कि सर कहां से हम पैसा जनरेट करेंगे। वेयर टू जनरेट फंड फ्रॉम। सर हम फंड कहाँ से जनरेट करें, उससे रिलेटेड बात होती है हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन में। क्योंकि सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली डील्स विद एक्विजिशन ऑफ द फंड। तो यहाँ पर हम बेसिकली सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस फंड को रेस करने के रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सोर्सेस ऑफ फंड की, तो हमारे पास तीन तरह के सोर्स होते हैं फंड को रेस करने के। कितने तरह के सोर्स होते हैं? तीन तरह के सोर्स हमारे पास रहते हैं फंड को रेस करने के। तो वो कौन कौन से सोर्स रहते हैं सर? एक तो हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स है, बोलिएगा कौन सा है? लॉन्ग टर्म सोर्स है। एक हमारे पास मीडियम टर्म सोर्स है, ठीक है, एक हमारे पास मीडियम टर्म सोर्स है फंड को रेस करने का, और एक हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्स है। क्या है? शॉर्ट टर्म सोर्स है, बोलिएगा अभी बात क्लियर है या नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हैं? एक तो हमारे पास इक्विटी शेयर है। क्या है बच्चों? इक्विटी शेयर। एक हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है, बोलिएगा बच्चों क्या है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, और क्या है हमारे पास? डिबेंचर है, बोलिएगा अभी बात क्लियर है नहीं। क्या है? डिबेंचर्स हैं। और क्या क्या है बच्चों? और हमारे पास एक सोर्स और है जिसको कि अपन लोग रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं।
बोलिए भाई, बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और उसके बाद अगर अपन लोग बात करें मीडियम टर्म सोर्स की, अगर हम लोग बात करते हैं तो मीडियम टर्म सोर्स के पास हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। क्या है बच्चों? पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। साथ ही में हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे मीडियम टर्म्स लोन जैसे हैं। क्या है बच्चों? मीडियम टर्म लोन्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फंड को रेस कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म सोर्स की बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म सोर्स के पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है पैसे को रेस करने के? तो एक तो हमारे पास कैश क्रेडिट है। क्या है बच्चों? कैश क्रेडिट है। और क्या है हमारे पास? ओवरड्राफ्ट है। ठीक है भाई, ओवरड्राफ्ट के बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास? एक सोर्स है हमारे पास डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बच्चों? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से भी हम मनी रेस कर सकते हैं। और हमारे पास एक सोर्स और है, क्या? ट्रेड क्रेडिट। क्या है बच्चों? ट्रेड क्रेडिट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों हमने क्या समझा? हमने समझा कि सर सोर्सेस ऑफ फंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि वेयर टू जनरेट फंड फ्रॉम, कि फंड को कहां से जनरेट हम लोग करेंगे। तो फंड को रेस करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं? कहते हैं तीन ऑप्शंस हैं सर। कौन कौन सा? लॉन्ग टर्म सोर्स है, मीडियम टर्म सोर्स है, और शॉर्ट टर्म सोर्स हमारा रहने वाला है। अगर मैं लॉन्ग टर्म सोर्स की बात करता हूं तो लॉन्ग टर्म सोर्स में हमारे पास क्या क्या है? इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, और एंड अर्निंग है, जिनके थ्रू मैं लॉन्ग टर्म सोर्स को रेस कर सकता हूं। और अगर मैं मीडियम टर्म सोर्स की बात करता हूं तो मीडियम टर्म सोर्स के लिए हमारे पास क्या क्या है? पब्लिक डिपॉजिट है, और मीडियम टर्म लोन्स हमारे पास रहते हैं। और अगर मैं शॉर्ट टर्म सोर्स की बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म सोर्स में हमारे पास क्या रहता है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, और ट्रेड क्रेडिट रहता है। आइएगा अब डिटेल में एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म सोर्स के जितने भी कंपोनेंट है जिनके थ्रू हम फंड को लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए उठा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हैं, उनको समझने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने बात करी थी इक्विटी शेयर्स। क्या है बच्चों? लॉन्ग टर्म सोर्स में सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर रहने वाले हैं। इक्विटी शेयर को जनरली याद रखेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर को हम जनरली ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। बोलिएगा भाई, बात क्लियर है या नहीं है? और इक्विटी शेयर वाले क्या होते हैं? रियल या फिर लीगल ओनर होते हैं कंपनी के। क्या होते हैं? लीगल ओनर्स होते हैं। किसके? ओनर ऑफ द कंपनी। बोलिएगा भाई, अगर मैं आप लोगों से इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं तो क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर इक्विटी शेयर जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स है जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है? मनी रेस कर सकती है मार्केट में। तो बोलिएगा, तो अगर मैं बात करता हूं इक्विटी शेयर की, तो इक्विटी शेयर वाले क्या होते हैं? बेसिकली दे आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं इन्हें? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है बच्चों? ऑर्डिनरी शेयर्स है। और इनका क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं? दे आर बेसिकली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये कौन होते हैं बच्चों? दे आर द रियल या फिर लीगल ओनर होते हैं। किसके? एक कंपनी के। एक कंपनी का रियल या फिर लीगल ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर वाले। तो इनका क्या होता है? दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इनका होता है रेजिडुअल क्लेम। क्या होता है बच्चों? इनका रेजिडुअल क्लेम होता है किसके ऊपर? ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट, यानी कि इनकम और प्रॉफिट के ऊपर इनका क्या होता है? रेजिडुअल क्लेम होता है। रेजिडुअल क्लेम का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सर सारी पेमेंट, सारी लायबिलिटी कर पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो उनको मिलता है, अदरवाइज इनको नहीं मिलता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बोलिएगा बच्चों, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, आइएगा बच्चों इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि एक किस्म से कंपनी ने कितनी अर्निंग करी है, सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो हमारी होगी आउटसाइडर की, जिनके थ्रू कंपनी ने पैसा रेज करा है। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो फिर क्या आता है हमारा? अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। फिर हमें क्या करना होता है? टैक्स की पेमेंट करनी होती है।
टैक्स की पेमेंट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। उसके बाद अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कंपनी ने पैसा रेज किया होता है तो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना होता है। उसके बाद जो बचता है वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को जब मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता हूँ, तो हमारा अर्निंग पर शेयर हमें मिलता है। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आइएगा तो समझिएगा। यानी कि इक्विटी शेयर वाले क्या है बच्चों, इक्विटी शेयर को हमने कहा हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं, और दे आर क्या होते हैं, रियल या फिर लीगल ओनर होते हैं एक कंपनी के, और उनका क्या होता है, रेजिडुअल क्लेम होता है। किसके ऊपर, इनकम या फिर प्रॉफिट के ऊपर। यानी कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, अगर कंपनी के पास इनकम बचेगी तो ही कंपनी क्या करेगी, इनको पेमेंट करेगी, अदरवाइज इनकी पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो रेजिडुअल क्लेम का मतलब क्या बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है आफ्टर क्या बच्चों, आफ्टर पेइंग अदर्स, क्या आफ्टर पेइंग अदर्स, ठीक है, वट इज लेफ्ट एट लास्ट। यानी कि सबको पे करने के बाद जो लास्ट में बचा वो ही किसको मिलेगा बच्चों, उसके ऊपर इनका क्लेम रहने वाला है। बिकॉज कंपनी क्या करती है, इन्हें रियल ओनर बनाती है, या फिर ये फिर रियल ओनर या फिर लीगल ओनर होते हैं एक कंपनी के। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब जब अगर ये कंपनी के ओनर है तो इनके पास कहीं ना कहीं क्या होने वाला है बच्चों, राइट टू कंट्रोल भी होने वाला है। यानी कि सर इनके पास कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहता है। बोलो बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और इनके पास एक फायदा और होता है बच्चों, क्योंकि ये ओनर है कंपनी के, तो इनके पास एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है। क्या होता है, प्रीएम्प्टिव राइट होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्प्टिव राइट किसके पास होता है, तो प्रीएम्प्टिव राइट किसके पास होता है, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के पास रहता है। अब प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब भी अगर कंपनी नए शेयर इशू करेगी मार्केट में, तो वो सबसे पहले जाकर इनसे पूछेगी कि सर हम नए शेयर्स इशू करने वाले हैं मार्केट में, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग परचेस कर लीजिए। क्यों सर, बिकॉज अगर इनसे नहीं पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो राइट है वो डायल्यूट हो जाएगा। तो आइएगा देखते हैं प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है। कहते हैं व्हेन एवर कंपनी इशू न्यू शेयर, इट विल आस्क एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दैट वेदर दे वॉन्ट टू परचेज और नोट, इफ दे डिनाई देन सोल्ड इट इन मार्केट, सो इट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट। यानी कि बच्चों अगर ये मना करेंगे तो ही कंपनी क्या करेगी, फर्दर शेयर्स को इशू करेगी, अदरवाइज इनके पास पहला राइट रहेगा शेयर्स को परचेस करने का। और सर इनकी क्या होती है, एक बात और होती है, क्या सर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। बोलिएगा बच्चों इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब ये जानेंगे कि सर अगर एक कंपनी इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा अगर रेस करती है मार्केट से, तो उसके कंपनी को क्या नुकसान होते हैं, और अगर नहीं करती है तो उसके क्या फायदे हैं। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं है। अगर शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर पैसा मार्केट में कंपनी उठाती है तो उसके क्या फायदे होते हैं कंपनी को, और क्या नुकसान होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहते हैं एडवांटेजेस, ठीक है, किसके एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस किसको, टू कंपनी, कंपनी को इक्विटी शेयर के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि ये परमानेंट सोर्स है। क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। यानी कि सर यहां से कंपनी को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं है। दूसरा क्या है, नॉट बाउंड टू पे डिविडेंट, नॉट बाउंड टू पे डिविडेंट। बोलिए भाई बात क्लियर है या नहीं है। यानी सर अगर
अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर कंपनी के पास, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये क्या होते हैं बच्चों, ओनर होते हैं कंपनी के, अगर ये ओनर है कंपनी के तो सर अगर कुछ लास्ट में बचेगा तो सर इनको देंगे, अदरवाइज इनको पेमेंट करने की लायबिलिटी कंपनी की नहीं होती है। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। अगर मैं उसके बात करता हूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इस केस में हमें मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, यानी कि सर किसी एसेट को गिरवी भी रखने की जरूरत, मॉर्टगेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हम, अगर एक कंपनी पैसा उठाती है किसके थ्रू, इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अगर अगर मैं कंपनी के फायदों की बात करता हूं तो कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, यानी कहीं से पैसा मिले ना मिले यहां से जरूर पैसा कंपनी को मिलेगा ही, और दूसरा क्या है, नॉट बाउंड टू पे डिविडेंड, कंपनी बाउंडेड नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दूसरी बात, मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट जो होता है, क्या सर, मॉर्टगेजिंग ऑफ एसेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कंपनी को। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब आगे समझेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एक कंपनी के लिए, क्या होते हैं सर। सर सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही है, क्या, हाई कॉस्ट ऑफ द फंड रहेगा सर। क्यों, क्योंकि सर आप अगर कंपनी के मालिक हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं कंपनी से बहुत ज़्यादा है, और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कंपनी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो कंपनी से आप चाहते हैं कि कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दे, तो सर क्या होने वाला है कि सर हाई कॉस्ट ऑफ फंड रहने वाला है। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। दूसरी बात सर, दूसरी बात ये है कि बिफोर, ठीक है, क्या, बिफोर ऑफ नो टैक्स बेनिफिट एंड हाई फ्लक्चुएशन फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि सर अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या होता है, आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, एज इन द केस जब आप बाहर से पैसा उठाते हैं, लोन्स के थ्रू पैसा उठाते हैं, तो वहां पर आपको वो बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात, आपको फ्लोटेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, यानी कि सर जब आप इशू करेंगे तो आपको एक ब्रोकर के थ्रू इशू करवाना पड़ेगा, और वो ब्रोकर आपसे कहीं ना कहीं कमीशन चार्ज करता है। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है नहीं है। अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करता हूँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, देखिएगा, कहता है ड्यूरिंग इशू और इन ऑर्डर टू इशू कंपनी नीड टू डू एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि जब हमें क्या करना है, शेयर्स को इशू करना है, कंपनी को शेयर इशू करना है, तो इशू करवाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसिस बियर करने पड़ते हैं, तो उन्हीं एक्सपेंसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। बोलिएगा बच्चों बात क्लियर है या नहीं है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि अंडरराइटर्स कमीशन, प्रिंटिंग कॉस्ट एटसेट्रा। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, आइए समझते हैं। अब अगर ये तो हमने कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर ली, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर्स को क्या फायदे होते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान होते हैं वो भी समझते हैं। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करता हूं तो इन्वेस्टर्स के फायदे सबसे पहले समझेंगे, तो इन्वेस्टर्स के फायदे क्या क्या होते हैं सर। सबसे पहला, राइट टू वोटिंग या फिर कंट्रोल इनके पास रहता है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के क्या है बच्चों, ओनर है, और जब ये कंपनी के ओनर है तो इनके पास राइट होगा वोट करने का। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या होता है बच्चों, मार्केट वैल्यू के भी इनको बेनिफिट मिलता है। बोलिए बच्चों इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं इन्वेस्टर्स को, तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि सर इररेगुलर डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, इररेगुलर डिविडेंड मिलने वाला है, क्योंकि सर अगर मैं, अगर ऐसे आउटसाइडर अगर पे करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके केस में क्या है, अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो ही सर डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सर अल्टीमेटली दूसरी बात क्या है सर, लॉस ऑन लिक्विडेशन, सर क्या है, लॉस ऑन लिक्विडेशन भी होता है। तीसरी बात अगर मैं करता हूं ओनरशिप डाइल्यूशन, सर क्या है, ओनरशिप डाइल्यूशन, क्योंकि सर हमने बात करी, अगर मान लो इनको प्रीएम्प्टिव राइट तो होता है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर अगर मान लो एक्सेस नहीं करता है इस राइट को, तो अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों, तो अल्टीमेटली होता है क्या
तो बच्चों क्या हुआ, कंपनी को क्योंकि पैसों की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी आउटसाइड से पैसा तो उठाएगी, तो वो राइट किसी और को मिलेगा, ठीक है। जब वो राइट उन्हें मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, इनका जो राइट है वो डाइल्यूट हो जाएगा। बोलिए बच्चों बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने समझा कि सर किस तरह से सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है। सोर्सेज ऑफ फंड में अगर हमने बात करी तो हमने बोला तीन तरह के सोर्स एक कंपनी के पास रहते हैं फंड को रेस करने के। कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं सर? सर लॉन्ग टर्म सोर्स है, मीडियम टर्म सोर्स है और शॉर्ट टर्म सोर्स है। उसके बाद हमने जाना कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज है। सर हमने बोला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग है। फिर हमने बोला मीडियम टर्म सोर्स है। अब मीडियम टर्म सोर्स में हमारे पास कौन कौन से सोर्स है हमने उसको जानने की कोशिश करी और हमने बोला कि सर वहां पे जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट हो गया या फिर मीडियम टर्म लोन्स हो गया। फिर हमने समझा कि सर शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज के हमारे पास क्या क्या है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड ट्रेड क्रेडिट, ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस में हमने सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करी। तो हमने बोला सर इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? तो हमने बोला सर इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं और दे आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। जब ये कंपनी के ओनर होते हैं तो सर इनका क्या होता है, रेजिडुअल क्लेम होता है। क्या होता है? रेजिडुअल क्लेम होता है इनकम के ऊपर या फिर प्रॉफिट के ऊपर, यानी कुछ बच जाए तो इन्हें मिलेगा वरना नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये ओनर है। अगर ये कंपनी के ओनर है तो उनका शेयर्स के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव राइट रहता है या और इनकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इनके क्या फ़ायदे होते हैं अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा उठाती है तो कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है और कंपनी के लिए क्या नुकसान है। उसी तरह से हमने जाना कि सर अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर्स को इशू करने के इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे रहते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।